गुरुवार की शाम तेज आंधी के साथ बारिश ने सैकड़ों पेड़ों को उखाड़ दिए। बिजली के तार टूटकर सड़क पर बिखर गए। रीवा में होर्डिंग गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। नमस्कार, मैं जीशान जावेद, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। गुरुवार की शाम प्रकृति ने एक बार फिर अपना तांडव दिखाया। इस बार उसके निशाने पर रहे चंबल और रीवा संभाग। देखिए यह रिपोर्ट। देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जावेद अंसारी आपके साथ। हम इस समय मौजूद हैं रीवा के सबसे व्यस्ततम शिल्पी बाज़ार के पास। जैसा कि आपको मालूम है, बीते गुरुवार को जोरदार आंधी, ऐसी आंधी जो रीवा वालों ने नहीं देखी थी। मैं आज ठीक उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर मैं आपको बताऊं, मैं ठीक उसी जगह पर खड़ा हूं जहां पर ऊपर एक बिल्डिंग देख रहे हैं, मेरे एक बिल्डिंग। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस समय जो जगह देख रहे हैं, ठीक इसी जगह पर एक होर्डिंग हुआ करती थी। होर्डिंग कुछ इस तरीके से थी, मैं एक हिस्सा आपको और दिखाऊंगा। होर्डिंग कुछ इस तरीके से थी जिसका स्ट्रक्चर एक बिल्डिंग पर अभी आप दूसरी बिल्डिंग पर आप देख रहे हैं। ठीक इसी तरीके का स्ट्रक्चर पुरानी बिल्डिंग पर भी था। वह स्ट्रक्चर शाम को जैसे ही आंधी आई गिर गया, और कुछ इस तरीके से गिरा कि उसके नीचे एक अपेक्स बैंक के मैनेजर आ गए और उनकी मौत हो गई थी। आज हमारे पास वह वीडियो भी मौजूद है, वह मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। उस समय का वीडियो भी मौजूद है जब ऊपर से, ठीक छत के ऊपर से होर्डिंग गिर रही थी। मैं अपने दर्शकों को वो वीडियो भी दिखाऊंगा और कोशिश करूंगा सारे वीडियो को जोड़ करके जो हमारे दर्शकों ने हमारे पास भेजा है। हमने अपने दर्शकों से अनुरोध किया था कि अगर आपके पास कोई वीडियो हो तो वो हमको भेजें। जैसा कि आपको मालूम होगा, इलेक्ट्रॉनिक चैनल कभी कभी घटना स्थल पर नहीं पहुँच पाता। आज का जो भी दर्शक है, वो जो भी व्यक्ति है, जो भी समाज के लोग हैं, वो इतने सजग हैं तत्काल ही उसको वीडियो में बना लेते हैं। हमारे पास हमारे बहुत सारे दर्शकों ने वीडियो भेजे, हम उनको जोड़कर आपको पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे और ये बताएंगे आपको कि किस तरीके से यहाँ होर्डिंग गिरी और किस तरीके से अपेक्स बैंक के मैनेजर की मौत हुई। रीवा ने बीते गुरुवार को तबाही का जो मंजर देखा, उसे लोग बरसों याद रखेंगे। हजारों पेड़ जमींदोज हो गए, एक व्यक्ति को अपनी जान गंवानी पड़ी, बिजली विभाग को 24 घंटे लग गए बिजली बहाल करने में, प्रशासन की रातों की नींद उड़ गई, पूरा शहर बिजली ना होने से रात भर जागता रहा, अखबार नहीं छप सके, लोगों के मोबाइल फोन बंद हो गए, सारा कुछ ठप हो गया। वह सब कुछ हुआ जो किसी ने कभी सोचा नहीं। जिस जगह पर अपेक्स बैंक का यहाँ पर ऑफिस है, ठीक आप देख रहे हैं अपने टीवी स्क्रीन पर, यह अपेक्स बैंक का ऑफिस था। यहाँ से बैंक मैनेजर निकलते हैं और मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर भी, 50 मीटर की दूरी पर पहुँचते हैं। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, मैं अभी 10 से 12 कदम चलाऊँ, 12 से 15 कदम चलने के बाद ठीक वह बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस बिल्डिंग पर होर्डिंग लगी हुई थी और वह गिरी थी। मैंने अपने 60 साल की उम्र में इतनी तेज आंधी रीवा शहर के अंदर या रीवा के इलाके में कभी नहीं देखी, और मैं ऐसा भयावह रूप प्रकृति का मैंने कभी नहीं देखा। क्या नुकसान हुआ जो कई लोगों के, मेरी समझ में छत बिचारे कच्चे मकानों में उड़ गए और कई लोगों के छपरे उड़ गए, टीन के टप्पर उड़ गए हैं, और कई पेड़ गिरे हैं, और कई और पेड़ भी गाँव वगैरह में सब जगह गिर चुके होंगे जहाँ तक मेरा अंदाज है, और बहुत नुकसान हुआ होगा, लाइट पूरी डिस्टर्ब हो गई होगी, और ऐसी भयंकर आंधी मैंने अपने जीवन में नहीं देखी। तूफान है और कितना भयावह है ये, जैसा कि आप देख रहे हैं जो रीवा शहर में तूफान आया है, मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तूफान है ये। 30 साल की उम्र में मैंने इससे बड़ा तूफान नहीं देखा,
और मेरे आसपास करीब 8 से 10 पेड़ गिर चुके हैं। पूरे जो साइनिंग बोर्ड वगैरह हैं शहर के वो 10 हो चुके हैं। करीब शहर को इस तूफान से लाखों का नुकसान हुआ होगा। और ये जो कोलकाता वाला साइक्लोन था ये वही वाला साइक्लोन है यहाँ पे आया। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान ज़ीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।